I'm your host Megha, and a very warm welcome to our special program Fans Demand. As you all know, Fans Demand में हम आपसे चर्चा करते हैं जो कुछ भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड में चल रहा है और ट्रेंडिंग टॉपिक पर फैंस की जो डिमांड है, फैंस के जो एक्शंस है, फैंस के जो रिएक्शंस है. So today we will talk about the comedy show Kapil Sharma Show. As you all know, Kapil Sharma पापा बनने वाले हैं. 11 दिसंबर से जनवरी के फर्स्ट वीक तक कपिल शर्मा छुट्टी पर जा रहे हैं. कपिल को इस दिन कोई काम नहीं करना है, सिर्फ अपनी वाइफ गिनी और अपने होने वाले बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना है. जब जब कपिल शर्मा का, कपिल के शो का और शो की शानदार कॉमेडी का जिक्र होता है, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम अपने आप जहन में आ जाता है. क्योंकि भले ही अर्चना पूरन सिंह यहां पर हो, भले ही कृष्णा अभिषेक यहां पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं सुनील ग्रोवर और गुरु के बिना कॉमेडी का तड़का जरा फीका सा है. ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा हर बार कपिल ही साबित कर देते हैं. कपिल के सामने कोई सिद्धू का नाम ले या ना ले, लेकिन वो नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र करके लोगों को ये बात एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि आज भले ही नए चेहरे जुड़ गए हों, लेकिन शो की नींव अगर मजबूत है तो वो सिद्धू और सुनील ग्रोवर जैसे सितारों की वजह से ही है. एक बार फिर से कपिल ने शो के सेट पर सिद्धू का जिक्र किया है और सिद्धू की वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है. क्या कहते हैं कपिल शर्मा नवजोत सिंह सिद्धू पर बात करते हुए, सुनिए जरा. कॉमेडी किंग कपिल शर्मा बहुत जल्द बनने वाले हैं पापा. 11 दिसंबर से कपिल शर्मा ने छुट्टी भी ले ली है. चैनल की ओर से कपिल को छुट्टी दे भी दी गई है. 11 दिसंबर से अब कपिल शर्मा करेंगे रेस्ट रेस्ट और सिर्फ रेस्ट. 11 दिसंबर से कपिल शर्मा अपना सारा टाइम बिताएंगे अपनी पत्नी गिनी के साथ और अपने होने वाले बेबी के साथ. लेकिन लेकिन ये क्या, पिता बनने से पहले कपिल शर्मा ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है. पिता बनने से पहले कपिल शर्मा ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक बड़ी बात कह दी है. बता दे आपको, कपिल शर्मा को लेकर ये बात कही जाती है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को वापस अपने शो में ला कर रहेंगे. वो नवजोत सिंह सिद्धू को वापस अपने कॉमेडी शो के साथ जोड़ना चाहते हैं. इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी ये खबर अफवाह है, कुछ नहीं पता. लेकिन शो के सेट पर कपिल ने सिद्धू को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है. शो के सेट पर कपिल ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है. एक तरफ ये कपिल शर्मा सिद्धू की वापसी को लेकर ऐलान करते हैं, तो क्या कहते हैं चलिए आपको बताते हैं. शो के सेट पर मौजूद थी उर्वशी राउटेला. पागलपंती फिल्म के सितारे यहां पर आए थे, अनिल कपूर, जॉन अब्राहम, अरशद वारसी और उर्वशी राउटेला. कपिल ने उनके साथ ढेर सारी मस्ती की और शो के दौरान कपिल अनिल कपूर से कहते हैं, उर्वशी के आते ही आप और अच्छे से शो कर रहे हैं. जवाब में कपिल कहते हैं, उर्वशी के आने के बाद तो आपकी आंखें पूरी खुल गईं. इसके बाद कपिल अर्चना पूरन सिंह से कहते हैं, आपको निकलना हो तो निकल जाओ. कपिल कहते हैं उर्वशी से, आपने आते ही सबकी तपस्या भंग कर दी. आप जब पिछली बार आई थी तो सिद्धू जी आपके पीछे पीछे गए और अभी तक नहीं आए. कपिल की ये बात सुनकर सभी हंसने लगे. दरअसल कपिल शर्मा ने ये टिप्पणी की क्योंकि आखिरी बार उर्वशी राउटेला जब आई थी शो के सेट पर, तब नवजोत सिंह सिद्धू इस शो के साथ जुड़े थे. उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ बयान दिए और बयानों की वजह से इस शो से बाहर का रास्ता सिद्धू को दिखा दिया गया. सिद्धू शो में वापस आएंगे या नहीं, फिलहाल इन सब को लेकर कोई जानकारी किसी के पास नहीं है. लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के दरमियान कपिल शर्मा से सवाल किया गया था सिद्धू की वापसी को लेकर. कपिल ने कहा, सिद्धू आगे आने वाले चुनाव में काफी ज्यादा बिजी हैं. चुनाव तक तो उनके शो में वापसी को लेकर हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है. वहीं अर्चना पूरन सिंह की बात करें तो अर्चना ने कहा, मैं नवजोत सिंह सिद्धू बनना चाहती हूँ. मैं वही काम कर रही हूँ जो सिद्धू जी करते थे. हालांकि मुझे सिद्धू जितनी फीस नहीं मिल रही, सिद्धू बनने पर कम से कम फीस तो ज्यादा मिलेगी.
अर्चना पूरन सिंह नवजोत सिंह सिद्धू की जगह पूरी तरह से कपिल के शो में ले चुकी हैं। लोग भी अब अर्चना को उस कुर्सी पर देखने के आदि हो चुके हैं। अब लोगों को भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। पहले लोग काफी ज्यादा हैरान होते थे, पहले लोगों को कपिल शर्मा के शो में सिद्धू की कमी महसूस होती थी, लेकिन अगर अब ये कहा जाए कि कपिल शर्मा को लोग पूरी तरह से प्यार करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को भूल चुके हैं तो जरा भी गलत नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें, कपिल को लेकर ये भी खबर आई थी कि वो 11 दिसंबर से शूट पर जा रहे हैं, तो शो में कॉमेडी का लेवल बैलेंस रखने के लिए हो सकता है यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू वापस आ जाएं, क्योंकि बीते हफ्ते के मुकाबले शो की टीआरपी का ग्राफ भी नीचे गिरा है। जैसे जैसे इस बात की छानबीन की गई तो पता चला कि अगर कपिल शर्मा शो से चले भी जाते हैं छुट्टी पर तो भी नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी के आसार यहां नजर नहीं आते, तो भी नवजोत सिंह सिद्धू को वापस कपिल शर्मा के शो से नहीं जोड़ा जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे को लेकर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के चाहने वाले ये कहते हैं कि कपिल बार बार सिद्धू का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिद्धू के नाम पर टीआरपी लेना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के चाहने वाले ये दावा करते हैं कि कपिल जब बार बार सिद्धू का जिक्र करे तो समझ लीजिए कि नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी के आसार नजर आने लगे हैं। क्या आपको भी ये आसार नजर आते हैं? आपके मन की बात नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर लिखें। कपिल तो संकेत दे रहे हैं, आसार नजर आ रहे हैं, अब ये आसार हकीकत में कब बदलते हैं ये देखना होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आपसे चर्चा करते हैं, ये कपिल ने तो कर दिया लेकिन जनता क्या कहती है, सिद्धू की वापसी पर जनता क्या कुछ अपने मन में रख कर बैठी है, नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी को लेकर जनता के बीच क्या खलबली मची हुई है। अपनी खास रिपोर्ट के जरिए जरा वो खलबली ही आप तक पहुंचाते हैं, देखिए जरा क्या कहना है सिद्धू की वापसी पर कपिल के शो से जुड़े दर्शकों का। लोग क्या कहते हैं उसके लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कुछ मैसेजेस हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ये मैसेजेस कपिल शर्मा के शो से जुड़े लोगों ने खुद लिखे हैं। इसमें सबसे पहला मैसेज है एस सिंह का, जो लिखते हैं सिद्धू इज ग्रेट मैन। इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को ग्रेट कहा है। आगे शफिक सोहरवाड़ी लिखते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, सिद्धू सिंह ने बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, यानी सब नवजोत सिंह सिद्धू से प्यार करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का सम्मान करते हैं। पहले की दो मैसेजेस तो काफी अच्छे आए। किशोर दीक्षित लिखते हैं वी डजंट नीड माइंडलेस पर्सन, यानी इन्हें नहीं है सिद्धू की जरूरत। वाहिद अब्बास ने भी यहाँ पर सिद्धू के खिलाफ कुछ लिखा है, उनका कहना है कि सिद्धू का जो पड़ोसी मुल्क के साथ प्रेम है, क्योंकि वो पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, ये वाहिद अब्बास लिखते हैं। संतोष कौर लिखते हैं कम बैक सिद्धू जी, मोस्ट वेलकम। धीरज राठौर लिखते हैं पाकिस्तानी फिर से आ गया। कई लोग हैं जो आज भी नवजोत सिंह सिद्धू को देशद्रोही की नजर से ही देखते हैं, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें सिद्धू के अंदर छिपा कॉमेडियन नजर आता है। कमल बाली साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिद्धू को देश से ही निकाल दो क्योंकि वो देशद्रोही है। कपिल शर्मा को अगर बदनाम नहीं होना सिद्धू को शो से दूर रखना पड़ेगा। राजा चंदेल लिखते हैं अबे कपिल शो बंद करवाना है। जितेंद्र सिंह लिखते हैं फिर नहीं चलेगा ये शो। जगजीत सिंह ने यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर लिखा है कि सिद्धू की कोई जरूरत नहीं है कपिल के शो में, अगर सिद्धू आ गए तो ये शो कोई नहीं देखेगा। इंद्रजीत कौर लिखते हैं ये बेवकूफ लोगों को, जो नेता देश का पैसा खा रहा है, गरीब लोगों पर टैक्स लगा रहा है, वही देशभक्त लिखता है। पूनम यादव लिखती है ये शो बंद हो जाएगा। अगर आपके मन में भी कोई बात है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। यानी अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपने शो में कपिल को लाना चाहते हैं, उन्हें एक बार फैंस की डिमांड जान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जान लेंगे तो शायद हर एक कदम सिद्धू की ओर फूक फूक कर बढ़ाएंगे। सो गाइस, फैंस डिमांड में आज के लिए इतना ही। अपने मन की बात, अपनी डिमांड
नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटी, स्टे ट्यून टू अस एंड स्टे अपडेटेड.